भैया रो राम राम। आप और देख रहे हो बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। जब सीधे प्रसारण है भैया, सीधी प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। लड़का बेटी अब बैठे हैं, अनशन कर रहे, हड़ताल कर रहे, तंबू डार के बैठे हैं सब जने। तंबू गड़ो है, इनकी काम आगे है कि छात्रावास खोल जाए। फरवरी में छात्रावास बंद भव तू, अब जो फरवरी नहीं खोल पा रहे इनकी वजह से जो प्रदर्शन कर रहे। अब इनके बीच में जाके हम पूछ रहे भैया इनकी समस्या क्या है, क्या परेशानी है। लड़का बिटिया सब बैठे भैया। अब भैया इनके जो जिला अध्यक्ष है उन्हीं से बात कर रहे हैं, जिनकी अध्यक्ष है सुनील कुमार। भैया क्या समस्या है, काय पे है? हम लोग कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना पे बैठे हुए हैं और हमारी मांगे हैं कि छात्रावास खोले जाएं। और इस चीज़ को लेके हम लोग कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके, उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो हम लोग परेशान होकर धरना पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना पे ही रहेंगे। तो भैया जो है बच्चे लड़का बिटिया हैं सब पढ़वे लिखवे वाले भैया, तो जो भी नियम हो, जो भी गाइडलाइन हो गवर्नमेंट की, गाइडलाइन के हिसाब से इनकी मांग तो केवल यही कि शुरू कर दो जाए, जैसे भी हो हॉस्टल शुरू हो जाए, हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी करें। और भैया आपकी काम है? और हमारी है कि बीएड में जो इस बार एडमिशन हुआ है तो एससी वालों को फुल स्कॉलर बेस पैसे लिए जा रहे हैं और जनरल और ओबीसी को 40,000-45,000 में एडमिशन दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से 70,000 रुपये की मांग की जा रही है। जो भी एक भेदभाव? हाँ बिल्कुल भैया, जो भी एक भेदभाव है प्रमुख बात है जैसे ई आंदोलन की। सबसे बड़ी बात यही है कि जो भेदभाव न बहु चाहिए, जो एक आदमी के लाने नियम है, नियम सबके लाने बराबर हो तो बराबर बहु चाहिए। अगर ऐसा हो रहा हो कहने कहूँ अधिकारी राशि देने पर रही है, भुगतान करने पर रहो, तो जो न्यायोचित नहीं है, जो अनुचित है, जो गलत है। तो अगर मान लो जैसे सरकार अब नहीं सुन रही, प्रशासन अब नहीं सुन रही, तो का जो हड़ताल आपकी जारी रहे? बिल्कुल हम लोग जारी रहेगा हमारा आंदोलन और बैठे रहेंगे। और इसके बाद अब कोई सुनने आज तक तो आया नहीं है। अच्छा, अगर कोई आया नहीं? कोई नहीं आया सुनने। और हम लोग भूखे हैं, कल से हम 11 बजे से बैठे हैं, खाना भी नहीं खाया। और अगर कोई सुनने नहीं आता कल हम लोग आंदोलन पे उतर जाएंगे, फिर इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जो है भैया स्पष्ट चेतावनी भी है उनकी, एक मानवता के नाते तो पूछो चाहिए कि बेटा हर तुम उन्होंने खाओ पियो कि नहीं खाओ पियो। हड़ताल एक अलग चीज़ है, मांग अलग चीज़ है, लेकिन मानवता के नाते जो जरूर पूछो चाहिए कोनो सक्षम अधिकारी का, अगर समय नहीं आ तो कोई कहाँ भी भेज के इनकी समस्या को निदान करो जा सकत, उमें का है लफड़ा का ही नहीं हो पा रहा, उन्हें समझाओ जा सकत, बताओ जा सकत। तो भैया हम भी प्रशासन से इनकी तरफ से, सभी जनन की तरफ से बुंदेली चुगली भी अपील करें कि लड़का बिटिया की समस्या जल्दी से जल्दी भैया सुनी जाए, इनको निराकरण करो जाए। भैया आज के लाने जब प्रस्तुति इतनी है, फिर हम कोनो दूसरी खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। भैया हर सभी जनन का माई राम राम।